दोस्तों ये स्टार सिटी है और इसका ये टाइमिंग देख रहे हैं आप। टाइमिंग हम जब इसका बीच में कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसे टाइमिंग मिलाया हूँ दो दांत आउट करके, ठीक है। और जब हम यहाँ पर टाइमिंग मिलाते हैं, इसे टी पे करते हैं, इसे हमने टी पे कर दिया, ये टी पे कर दिया हमने। उसके बाद इसका टाइमिंग देखिए, यहाँ पर टी है, टी का सिंबल है इस जगह पे, है ना, इस जगह पर टी का सिंबल है। जब हम टी का सिंबल पे करते हैं तो इसका दो दांत आउट, इसे हमने दो दांत आउट किया है क्योंकि ये किसी और के पास गाड़ी बना हुआ था और पिकअप नहीं ले रही थी गाड़ी, और यहाँ पर हमने टॉप किया है, देख रहे हैं इस जगह पे हमने टॉप किया है, और यहाँ पे हमने टॉप किया है, और इसका टाइमिंग हमने मिलाया है इस जगह पे टॉप करके। जो दाग मारा हुआ ना, जो सिंबल मारा हुआ, उस जगह पे हमने नहीं किया है, इसे थोड़ा सा आउट किया है, दो दांत हमने आउट किया है क्योंकि कहीं पे ये इंजन बना था किसी जगह पे, तो पिकअप एकदम भी नहीं ले रही थी। मेरे पास कोई मैकेनिक भाई लेकर आए हैं तो पिकअप एकदम ले ही नहीं रही थी। तो जब हमने चेक किया तो टाइमिंग इसका बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी पिकअप नहीं ले रही थी। तो फिर हमने एक दांत आउट किया, फिर भी पिकअप नहीं ले रही थी, फिर हमने दो दांत आउट किया, तब ये सही हो गई। तो इसका टाइमिंग देख रहे हैं, मैं इसे चेक करता हूँ पहले लगाकर। दो दांत हमने इसमें आउट किया, और इसमें मैकेनिक भाई की कोई गलती नहीं, इसमें लेथ वाले की गलती है। लेथ वाले जो नीचे के स्पोकेट करते हैं ना, उनकी गलती है। देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ये पिकअप ले रही है पूरा, पहले एक जरा पिकअप नहीं ले रही थी, पूरा भद भद कर रही थी, और अभी ये फुल एक्सीलेटर में अच्छा पिकअप ले रही है, अच्छा काम कर रही है। तो जो लेथ वाले इसका क्रैंक बनाया ना, वो इसका जो स्पोकेट होता है ना, वो सही टाइमिंग पे नहीं मिला है, इस कारण मिस्त्री भाई को दिक्कत हुई और पिकअप नहीं ले पा रहा था गाड़ी। तो इसमें मैकेनिक की कोई गलती नहीं है, लेथ वाली की गलती है। कभी कभी लेथ वाली की गलती से मैकेनिक को परेशान होना पड़ता है, मैकेनिक को नुकसान भी होता है। तो इस जगह पे हमने इसका टॉप किया है, देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसे टॉप किया है, टॉप का सिंबल इस जगह पे है, और इसका बीच में हमने इसका टॉप किया, जब हमने पिस्टन से मिलाया, मैग्नेट से नहीं मिलाया, पिस्टन से मिलाया, पिस्टन जब टॉप में था उस जगह पर हमने टाइमिंग मिला दिया, और ये सही हो गई। तो मैकेनिक भाई की क्या गलती थी इसमें, वो तो टाइमिंग सही मिला रहे थे, लेकिन क्या करें, लेथ वाले की गलती है तो मैकेनिक क्या करेगा, है ना। तो आप भी कभी ऐसे प्रॉब्लम फंसे तो पिस्टन को टॉप करके देखें, मैग्नेट को टॉप करके ना देखें। कभी ऐसा प्रॉब्लम हो आपके साथ, इंजन बनाने के बाद पिकअप नहीं ले रहा है, तो पिस्टन को टॉप करके टाइमिंग मिलाएं, जहां तक हो सके तो ब्लॉक फिटिंग करने टाइम ही टाइमिंग मिला लें, मैग्नेट के भरोसे ना रहें। मैग्नेट के भरोसे रहने से आप भी फंस सकते हो, आपको भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत जगहों पर लेथ वाले जल्दी जल्दी मिलाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में स्पोकेट वगैरह ठोक देते हैं, जिससे मिस्त्री लोग को बहुत दिक्कत होता है फिटिंग करने टाइम, प्रॉब्लम होती है ना फिटिंग, सारा चीज़ सही लगाएं फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बचें।